हाय एवरीवन। तो यार अब सिर्फ 2.5 से 3 महीने बचे हैं हम लोगों के पास प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स इनकी तैयारी करने के लिए। और यार ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे ज्यादातर लोग स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। क्यों स्ट्रेस्ड आउट होते हैं? क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। और बिकॉज दे आर स्ट्रेस दे विल नॉट स्टडी, बिकॉज दे विल नॉट स्टडी दे आर स्ट्रेस। ये साइकिल चलती रहती है, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये 2 महीने ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद ध्यान आएगा कि प्लेसमेंट्स आने वाली है, फिर इधर उधर से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और फिर इंटरव्यूज में जाके देंगे। मतलब सबसे बढ़िया कंपनी जो कि स्टार्टिंग में आती है, उसके लिए आपको ना फुल तैयारी होनी चाहिए। उसके लिए आपको 10 दिन पहले से बिल्कुल कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए कि लास्ट के 10 दिन में आपको रिवीजन करना है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। आपका DSA डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम मैं हैंडल करूंगा। जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बिगनर लेवल से पढ़ेंगे और बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक उसको पढ़ेंगे, ठीक है, विथ डेडिकेशन। आप लोगों की तरफ से मेरे को पूरा डेडिकेशन चाहिए। मैंने कमिटमेंट ले लिया है कि मैं आपको डेली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पढ़ाऊंगा। लेकिन अब आप लोग अपनी तरफ से कमिट कर दो कि आप लोग भी डेली DSA बैठ करके पढ़ोगे, एक भी दिन वेस्ट नहीं करोगे फॉर दीज 2-3 मंथ्स। बस आपको इतना ही मेहनत करना है, इतनी मेहनत करने की जरूरत है आपको, बस आपकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एडवांस, बिगनर्स, इंटरमीडिएट, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं कवर करवाऊंगा। ऊपर ऊपर से DSA नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन डीप लेवल के ही आते हैं, तो ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ रहे होंगे। DSA को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग इस चीज़ को कमिट करते हैं, कमेंट डाउन बिलो नीचे आप लोग कमेंट कर दो कि यस यू आर रेडी फॉर दिस। अब यार यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि मैंने किया है। तो बेसिकली मेरे को DSA पढ़ाना था, इसलिए मैंने एक सेपरेट चैनल ही बना दिया है DSA के लिए। उसका नाम मैंने रखा है लीड कोडिंग बाई फराज। अब आप लोग समझोगे लीड कोडिंग बाई फराज तो इस चैनल का नाम है, तो इस चैनल का नाम चेंज करके मैंने कर दिया है फराज, ठीक है। ये हमारा फराज चैनल रहने वाला है। वो वाला जो चैनल होगा वो होगा लीड कोडिंग बाई फराज। उसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है जहां पर आप लोगों को ना पूरा फॉर्मेट पता चल जाएगा चैनल का, कि कैसे हम लोग डेली लेक्चर्स अपलोड करेंगे। उसके साथ आप लोगों को कोड मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा वो आप लोगों को उस वीडियो से पता चल जाएगा, ठीक है। वीडियो बाद में जाके देखना, पहले इसको कंप्लीट देख लो। तो अब आप लोगों को डेली DSA पढ़ना है और उसको रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ पढ़ेंगे लेक्चर्स को फिर अगले दिन दूसरा लेक्चर पढ़ रहे होंगे। जो पहले पढ़ा हुआ है उसके छोटे छोटे नोट्स बना करके रिवाइज भी करना है, ठीक है। ये 2.5 से 3 महीने की ट्रेनिंग मान लो या तैयारी मान लो, इससे आप लोग कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएंगे DSA के लिए। और फिर उसके बाद मेरे को टेक्स्ट करके बता देना कि आपकी प्लेसमेंट निकल गई है, ठीक है। तो अब यार चैनल का नाम मैंने बता दिया, क्यों चेंज किया है मैंने, बहुत बड़ा चेंज है और सारे लोगों को पता भी चलना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो और वीडियो पर कमेंट जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और जितने ज्यादा लोग हमारे साथ पढ़ रहे होंगे उतनी ज्यादा अच्छी हमारी कंसिस्टेंसी रहेगी, ठीक है। तो बी मोटिवेटेड फॉर दीज 2 मंथ्स, ठीक है। ज्यादा मोटिवेशन के लिए मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, 2 महीने अच्छे से मोटिवेट रह करके ये चीज़ कर लो। देखो मैं अपनी जी जान लगाने वाला हूँ ये डेली लेक्चर्स लाने के लिए, फुल पावर लगा दूंगा, डेली आपके लिए लेक्चर्स लाऊंगा। लेकिन आप लोगों को अपनी तरफ से भी डे बाई डे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, पेंडिंग नहीं करना है काम। ऐसा नहीं है कि 2 लेक्चर इकट्ठे हो गए उसको बाद में आप देख रहे हो, फिर ऐसे आपके कलेक्ट होते चले जाएंगे लेक्चर्स, कलेक्ट होते चले जाएंगे, आप लोग नहीं देख पाओगे उनको, ठीक है। तो साथ साथ कोड करना है, साथ साथ चीजें पढ़नी है। बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं आपको काम करने के लिए, एक दिन में सिर्फ 1 लेक्चर होगा, ठीक है। मुझे पता है बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है इस एज पे आकर भी, बच्चों को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है पढ़ने के लिए। सो प्लीज शो योर मोटिवेशन टू द मैक्स लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, अब जाकर के आप लोग वो वाला वीडियो देख लो जहां पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मेट रहने वाला है, कैसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम करने वाले हैं, ठीक है। बाय बाय।